तो आज मैं आप लोगों के लिए ना एक बड़ा एक स्टाइलिश सा बाइक लेके आया हूँ, थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक टाइप का। अब आपको ये देख के लग रहा होगा भाई मतलब बड़ा मस्कुलर सा अलग से लुक्स वाला है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा भाई, बहुत ज्यादा ये ना वैसे बिकता नहीं है। बट भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये है सुजुकी का जिग्जर SF। ये देखो सुजुकी एंड उसका ये जिग्जर SF है भाई। सुजुकी ना अब ये मारुति सुजुकी नहीं है, कई लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा। जो ये टू व्हीलर वगैरह आते हैं, एक्सेस वगैरह के एक्टिव आते हैं, बर्गमैन वगैरह ये बाइक्स आते हैं, या हायाबुसा भी जो आता है सबसे फेमस, वो आता है सुजुकी के नाम से अलग से, मतलब ये जापान से आते हैं। जो हमको गाड़ियां मिलती हैं स्विफ्ट वगैरह, डिजायर वगैरह, वैगनर वगैरह, वो आती है मारुति सुजुकी की। मारुति इंडियन ब्रांड और सुजुकी जो अपना ये जापानीज है ही है, बट टू व्हीलर कल्ला ये सुजुकी ही बेचता है। देखो इधर ये सुजुकी लिख रखा है ना, तो ये कल्ला सुजुकी बेचता है, ये इसमें इंडिया का कुछ भी मतलब हाथ नहीं रहता मारुति का। ये है सुजुकी का जिग्जर SF, इसे मैं पर्सनली ओन करता हूँ, ये मेरा खुद का है। तो इसके बारे में आज मैं एक वॉक अराउंड देने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ना दो टाइप के मॉडल आते हैं, एक तो आता है नॉर्मल सुजुकी जिग्जर और दूसरा आता है ये सुजुकी जिग्जर SF। ये SF वाला जो है ये थोड़ा सा और महंगा आता है, ये SF वाला है। एंड इसमें मैं फ़र्क बता देता हूँ, जो नॉर्मल जिग्जर आता है ना उसकी ये फोटो आ रही होगी, ये थोड़ा ऐसे नेकेड बॉडी टाइप वाला आते हैं, जो इसकी मतलब टर्म्स होती हैं, जैसे नॉर्मल Apache वगैरह आते हैं ना इस टाइप का आता है। जो ये SF है ना, इसमें ये जो साइड का पार्ट है ये थोड़ा अलग से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बल्की हो जाता है। SF की फुल फॉर्म आई गेस होती है साइड फेयरिंग, बिकॉज इसको फेयरिंग कहते हैं, लेकिन बाकी सब सीट हैंडल टैंक टायर्स एग्जॉस्ट सब कुछ दोनों में सेम आता है। तो एक हो गया नॉर्मल अपना जिग्जर और दूसरा हो गया जिग्जर SF। इन दोनों के अंदर आपको दो और इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, पहला आता है 150 cc का या फिर 155 cc का, एंड दूसरा आता है 250 cc का, 250 cc का। ये वाला 150 cc का है, जो आपको निकाल के देगा 13.6 PS की पावर, 13.8 Nm टॉर्क के साथ। मैंने जब ये लिया था ना 2020 में लॉकडाउन के आसपास, तब हमें ये पड़ा था 135,000 140,000 का ऑन रोड सब कुछ करा के। बट अब भाई इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब ये वाला 150 वाला 150 cc वाला जो है ये ही मतलब 135,000 एक्स शोरूम आता है, और अगर आप इसमें 250 वाला लेते हो तो वो पहुंच जाता है 188,000 एक्स शोरूम के आसपास, बाकी थोड़ा ऑन रोड तो और ऊपर हो ही जाता है। अब मेन तो इस बाइक में भाई इसकी लुक्स ही है, मतलब कहीं भी चले जाओ ना, जिनको स्पेशली नॉलेज नहीं है वो यही सोचते हैं बहुत बड़ा सा ऐसे हायाबुसा टाइप वाला बाइक आ गया, एंड सब ऐसे घूर घूर के देखते हैं, जितने भी ऐसे बच्चे वगैरह होते हैं ना सब घूर घूर के देखते हैं, बिकॉज ये साइड फेयरिंग के जो आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो ना उसकी वजह से इसकी लुक्स जेन्युइनली बहुत तगड़ी लगती है। एंड मेरे को भी सीरियसली बता रहा हूँ, उस टाइम पे बाइक की नॉलेज नहीं थी, अभी भी कार इतनी ज़्यादा नहीं है, गाड़ियों का ही थोड़ा ज़्यादा शौक है ना, तो जब पहली बार गया था ना मेरे को जेन्युइनली लगा था कि हायाबुसा खड़ा है, और मैंने एक सेकंड के लिए सोचा था कि भाई मैं पहली बार मतलब रियल आंखों से अपनी लाइफ में हायाबुसा देख रहा हूँ। आगे इस तरह की आपको इसकी व्हाइट वाली LED वाली लाइट्स मिलती हैं, जो भी कैमरे में इतनी अच्छी तरह पता नहीं चल रही, पता नहीं क्यों, बट हाँ फुली LED वाला सेटअप मिलता है, व्हाइट वाला पूरा। एंड ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है कि पूरा अंधा कर दे आगे, बट पूरी मतलब आपको रोशनी कर देगी अंधेरे के अंदर ना। और नॉर्मल आगे ना साइड पे इस तरह के निकले हुए आपको ये इंडिकेटर मिलेंगे, जो ऑब्वियसली हैलोजन ही है, आगे से इस तरह के यहाँ पे आपको ये विंडशील्ड टाइप से मिलती है, एंड यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक वगैरह मिलते हैं। कई जो बाइक्स आते हैं ना R1 वगैरह R15 वगैरह, उसके अंदर ना यहाँ पे आगे की चीज लगाते हैं विंगलेट टाइप की, बट ये इसमें कंपनी सुजुकी जो है वो पहले से देती है, ये काफी सही लगता है एंड काफी सटल सा लगता है, तो ये काफी प्यारा सा काफी सटल सी लुक देती है एक लाइट के आगे, जो ब्लैक ब्लैक सी चीज है ना। इस तरह के आपको MRF के टायर्स मिलेंगे, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे रेड रेड सी टेपिंग दी गई है, फाइबर की इसके अंदर ब्रेक्स मिलती है, ABS यहाँ पे आपको मिल जाता है, इस तरह का यहाँ पे गार्ड सा आता है ब्लैक कलर का, फुली पियानो ब्लैक, इस पे बहुत ज्यादा मिट्टी लग जाती है हालांकि, एंड यहाँ पे इतनी बड़ी सी डिस्क ब्रेक आती है जो पीछे भी मिलती है, इस तरह के शॉकर्स आते हैं। अब ज्यादा आई एम वेरी सॉरी, बट ज्यादा मेरे को ना टर्म्स वगैरह नहीं पता जो बाइक्स वगैरह में होती है, तो उसके लिए मेरे को माफ करना। आगे से आप ये चीज देख रहे हो, ये इस तरह से लगता है जैसे ना एक शार्क का मुंह सा हो और ऐसे टायर को खा रही हो, तो ये काफी प्यारी चीज लगती है, जो इस तरह के आए होप आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे इस तरह रेडिएटर वगैरह के लिए पूरा गार्ड मिल जाता है। आगे इस तरह के आपको ये मिलते हैं, जो इसके साइड मिरर्स होते हैं, आप इनको ना निकाल तो ऑब्वियसली आप सकते ही हो, बट इनके यहाँ भी निकाल सकते हो इस हैंडल्स के ऊपर, जिस तरह की आपकी कन्वीनियंस हो यहाँ पे इधर लग सकते हैं, एंड ओरिजिनली आपको कंपनी से यहाँ पे मिलेंगे, बट एक ऑप्शन दी जाती है जो काफी अच्छी बात है। साइड पे इस तरह से ना ये एक आपको 3 बना हुआ मिलता है काइंड ऑफ, तो ये भी काफी सही लगता है। यहाँ पे थोड़े ग्राफिक्स जिग्जर SF लिख रखा है, सुजुकी लिख रखा है, अगर 250 वाला लोगे तो यहाँ पे 250 लिखा हुआ आता है बड़ा बड़ा, यहाँ पे थोड़ा ऐसे एक्सपोज सा पार्ट मिलता है जो अच्छा भी लगता है ऐसे। इस तरह का इसका एग्जॉस्ट मिलता है, जो 250 वाले में हल्का चेंज हो जाता है, बट इसी तरह का डिजाइन है, ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट इसको कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा क्रोम लग रखा है गार्ड वगैरह के लिए। इसका पीछे वाला टायर मेरे को काफी बढ़िया लगता है, जो थोड़ा मोटा सा दिया जाता है। MRF के टायर मिलते हैं आगे पीछे, फिर से रेड कलर की टेप, 140/60 R17, तो ये जेन्युइनली काफी मोटा सा टायर मिलता है, मेरे को बढ़िया लगता है। बाकी इस तरह का इसका ये मड गार्ड भी पीछे दिया जाता है। पीछे की लाइट बात करें ना, वो भी पूरी ऐसी LED सी मिलती है, जो आगे
बाकी आपको इंडिकेटर मिलते हैं ना इसी तरह के, वही सेम आपको यहाँ पीछे भी दिए जाते हैं, बट मैंने वो चेंज करा लिए थे, इस तरह के लगवा लिए थे। इनमें थोड़ी ना ये देखो ये LED जलती है जो काफी स्मोकी स्मोकी से इसलिए आपको दिखेगी नहीं। एंड जो ये आती है ना इसकी टेल टाइड इसको कहते हैं, ये काफी गंदी सी लगती है, ऐसी पूरी स्टैंडर्ड से आती है, तो ये भी आफ्टर मार्केट लग रखी है इस तरह मेटल की, जो एक बार निकल गई थी फिर से लगवानी पड़ी थी। तो हाँ इस तरह का ये मिलता है। एंड मेरे को ये नंबर भी वैसे तो रैंडम मिला था बट सही लगता है, अगर ये 8 को हटा देना तो ये 3, 4, 5 ये इकट्ठा मिलता है, काश यहाँ 2 भी लगा देते तो मजा आ जाता, बट चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे इस तरह के इसके ये पेग्स मिलते हैं, अंदर रेड कलर का आपको शॉकर दिखेगा, एंड ये लॉक लगा के रखना पड़ता है साइकिल वाला, कभी हेलमेट वगैरह लॉक करके जाना। यहाँ पे इस तरह का मीटर मिलता है जो यहाँ पे आपको व्हाइट दिखेगा, इसके टेक्स्ट ब्लैक दिखेंगे, अगर आप 250 वाला लेते हो तो ये ब्लैक हो जाता है, इसके टेक्स्ट व्हाइट हो जाते हैं तो उल्टा हो जाता है। इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको यहीं से ये चेंज करना पड़ता है, जब आपको सर्विस वगैरह हो तो भी यहाँ पे आपको बता देगा, एंड इसके अंदर ट्रिप ए ट्रिप बी टाइम बता देगा, कितनी बैटरी आपकी वोल्टेज ले रही है वो बता देगा, RPM 12,000 तक जाता है। इस तरह का इसका 12 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी इसके अंदर मिल जाती है। हाई बीम वगैरह आप यहाँ पे दोगे जो नॉर्मल हर बाइक में आता है, बट ये भी जो है ना ये इसका कभी कभी काम नहीं करता, तो अब ये थोड़ा वो हो चुका है, एंड इसका बटन भी दिखेगा येलो येलो सा फेड हो चुका है। इस तरह की कुछ आपको इसकी की मिलेगी, काफी सिंपल सी काफी बेसिक सी। इस तरह का इसका एक टैंक मिलता है जो मैंने आपको बताया 12 लीटर की कैपेसिटी है, जो यहाँ से अगर बैठ के देखो ना बहुत तगड़ा लगता है, मतलब इसके अंदर जो लुक्स आती है ना ये ही मेन ऐसे मोटा मोटा सा लगता है। एंड यहाँ पे जो बहुत सारी बाइक्स में आते हैं ना निंजा वगैरह की, इधर ऐसे खाली स्पेस मिलती है। अब मेरे को ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती थी, बट एक इसका नेगेटिव बताता हूँ। देखो जब आप इसका हैंडल हिलाते हो ना इस तरह, तो क्या है ये जो मेन पार्ट है ना जो इसका ये सब बॉडी का है ये नहीं हिलता है, ये हैंडल ही कल आपका इस तरह हिलेगा, तो आपका ये हैंडल ही होता है जो इस तरह हिलता है, बट ये वाला जो बॉडी का पार्ट है ये नहीं हिलेगा। बट उसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे मैंने इधर मोड़ दिया तो अब क्या होता है, मैंने तो ये इसको मोड़ दिया जो लाइट होती है वो आगे रहती है, तो पहले मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता था, बट जब इसको ऑन करा चलाया तो एक्सपीरियंस करा कि ये भाई हैंडल उधर मोड़ दो बट लाइट उधर ही रहती है, इधर का दिखता ही नहीं है कि क्या है अगर अंधेरे में कभी चला रहे हो तो। एंड एक और नेगेटिव, जब आप इसके हैंडल को पूरा इधर कर लो ना, अब अगर आप इसको यहाँ पे रेस देने की कोशिश करो अगर आप मोड़ने लगे हो, तो ये देखो इससे ज़्यादा ये मुड़ता ही नहीं है, तो ये इसका थोड़ा नेगेटिव है, ये इससे ज़्यादा ऐसे मुड़ेगा ही नहीं, तो ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव मेरे को इसके अंदर लगता है। बाइक के अंदर ये साइड स्टैंड के साथ साथ ये वाला जो डबल स्टैंड आता है ना ये भी दिया जाता है, तो इतने में ज़्यादा मॉडर्न नहीं हो ये कि नॉर्मल प्रैक्टिकल वाली चीज़ें भूल जाए, बाकी परफॉर्मेंस का तो इतना नहीं, बट भाई मेन तो ना यार इसकी ये लुक्स वगैरह ही हैं जो पूरा मतलब किल कर देती हैं। और हाँ चलाने की बात करें ना तो भाई इतना कुछ ये 150cc में वो नहीं आता कि बहुत ज़्यादा भागेगा, बट पर्सनली बताऊँ तो क्योंकि ये मतलब मेरे लिए तो ये पहली बार एक बाइक था, तो भाई ये ना जेन्युइनली बताऊँ तो सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। एंड जैसे मैंने बताया ना इसके अंदर ये सिंगल चैनल ABS आता है, आगे आता है पीछे ABS नहीं दिया जाता, वो 250 में मिलता है। भाई इसकी ब्रेकिंग का जो कॉन्फिडेंस है ना ये बहुत अच्छा है, मतलब मैं घर से यहाँ तक आते हुए भी यही सोच रहा था कि मैं ब्रेकिंग के बारे में क्या बताऊँगा, एंड जेन्युइनली बताऊँ तो ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अगर थोड़ा इस टाइप का एरिया भी आता है ना जो ऐसे थोड़ा मतलब मिट्टी वगैरह होती है, जैसे यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ये तो बहुत कम है, अगर पूरा भर भी रखा हो ना रोड तो भी पूरा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई कुछ नहीं होगा, जितना मर्जी इसको ब्रेक मार लो एकदम से तेज मार लो जैसे मर्जी मार लो, अगर पीछे वाली मारते हैं, आगे वाली मारने का मैंने रिस्क नहीं लिया, बट पूरा कॉन्फिडेंस रहता है ब्रेक में, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी भाई खुश तो ऐसे लोग भी होते रहते हैं, चाहे जिस मर्जी टाइप का टू व्हीलर हो भाई खुशी मिलनी चाहिए। अब भाई अगर खुशी की बात भी करें ना तो मैं इसको खरीद के काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। अब मैंने सब इसके बारे में अच्छाई करी है थोड़ी, जो जो बुराइयाँ थी वो मैंने आपको बता दी, अच्छाइयाँ भाई मैंने करी हैं, बट अगर आपको इसका ओनरशिप रिव्यू चाहिए ना तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वैसे तो वो इसके बाद आएगा बट वो भी मैं एक दो दिन में शूट करके डाल दूंगा। अगर आपको ये ख़रीदना है ना तो इसका ओनरशिप रिव्यू ज़रूर देखना, बिकॉज उसमें आपको सब इसकी मैं वो बताऊँगा जो नेगेटिव्स प्रॉपर जो है ना जो मेरे को ओन करने के बाद लगते हैं कि यार काश ये नहीं लेना चाहिए था, बड़ा रिग्रेट होता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इस तरह की काफ़ी सटल सी आवाज़ मिलती है अगर आप इसको स्टार्ट भी कर लो, थोड़ी अगर एग्जॉस्ट नोट अगर सुनाऊँ थोड़ा तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इसमें लोग लगवा सकते हैं, बिकॉज ये भाई जेनुअनली बताऊँ तो ये R15 के कॉम्पिटिशन में आता है, एंड भाई ये स्टार्ट भी नहीं होता बिना क्लच दबाए, तो आप इसको एक हाथ से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई अगर मैं आपको इसकी एक चीज़ बताऊँ ना तो ये आता है भाई R15 के कॉम्पिटिशन में, बट फिर भी R15 इससे यामा का जो है वो ज़्यादा बिकता है। उसका एक रीज़न ये है बिकॉज वो थोड़ा और एग्रेसिव लुक्स आती हैं, वो थोड़ा और यूथ के लिए है, इसको अगर एक नॉर्मल बंदे ने भी चलाना हो ना जैसे किसी के पापा वगैरह ने तो वो भी इसको यहाँ पे बैठ के चला सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि झुक जाओगे आप कंधे से, है ना, तो वो चीज़ इसकी अच्छी मिलती है। पीछे पिलियन बैठेगा ना वो एक फर्स्ट फ्लोर पे बैठता है, बट फिर भी जो
सीट वगैरह आती है ना वो इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलती है, बिल्कुल भी आपको डिस्कम्फर्टनेस नहीं फील होती। बाकी तो बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हाँ जेनुअनली अगर आप ये खरीदने की सोच रहे हो ना तो एक बार मेरी वो ओनरशिप वाली वीडियो देख लेना, बिकॉज उसमें वो जो रिग्रेट होता है मैं वो आपको बताऊंगा, बिकॉज उससे फिर शायद आपकी भी थोड़ी आंखें खुल जाए और आप शायद अपना डिसीजन चेंज कर लो। एंड थोड़ा आपको उसमें थोड़ा सर्विस वगैरह का बताऊंगा, सर्विस कॉस्ट का बताऊंगा, तो वो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज ये ऑलमोस्ट अभी 32,000 चल चुका है भाई 2-3 साल के अंदर, तो भाई वही 11,000 के आसपास मान लो एक साल का, तो उसमें अच्छा तरह अंदाज़ा मिल जाता है भाई हर चीज़ का, तो वो मैं आपको एक बार बता दूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, हैव फन, बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।